अरे समझे टबलू समझे, शर्मा जी के तालाब में हम लोग मछली पकड़ते पकड़ते रह गए और कब शाम हो गया हम लोग को पता ही नहीं चला। अरे टबलू इस रास्ते से जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हम दोनों को इस रास्ते में क्या होगा। अरे यार तुमको इतना डर लगता है, मेरे साथ क्यों आया? अरे यार डर डर किस बात का, मुझे डर थोड़ी लग रहा है। अरे यार जब तुम मेरे साथ हो तो हमको डरने का क्या बात है। अरे यार ज्यादा हमें ऊपर मत चढ़ा नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। आज सोचे थे कि संडे है, खूब बढ़िया से सोएंगे हाथ पांव को फैलाकर, लेकिन ये तो मच्छर हमें सोने नहीं देते हैं, करते हैं इधर उधर। अरे हम तो बैठे हैं, मच्छर मुझे काटे जा रहे हैं, ऐसे उनके काटने से तो मुझे मलेरिया हो सकता है। अभी एक नया बीमारी निकला है जिसका नाम है डेंगू, एक बार हमको पकड़ लेगा तो जिंदगी भर के लिए सुला देगा। इंसान थे तुम, मरे तो भूत हुए हैं, अभी तो हम भूत हैं, मरने के बाद पता नहीं क्या होंगे हम। अरे छोड़ो इस बात को, सोचने से कोई लाभ नहीं है। दो लड़के आ रहे हैं, एक के हाथ में छीप है और लगता है एक के हाथ में मछलियां है। अरे उसके हाथ में तो झोला भी है। समझ गया वो लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे तालाब के पास। जाने दो, भूत की भगवान जो करते हैं अच्छाई के लिए ही करते हैं। उन दोनों को मैं डर दिखाकर मछली को ले लूंगा, जिस तरह मुझे मच्छर काटते थे मैं उसी तरह मछली को भी काटूंगा। टब्बू, अरे ओ टब्बू क्या? अरे टब्बू ये मुझे जगह अच्छा नहीं लग रहा है टब्बू। अरे तुम चुपचाप रहो, भूत आने पर देखा जाएगा। ए ए ए कौन 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 टब्बू, देखो ना किसी ने मेरे माथे पे ठोका है टब्बू। ओह अरे तुमको यहाँ पे कौन ठोकेगा इस जंगल में बोलो। अरे बच्चों मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ मैं। अरे बाप रे मर गए टप्पू। वो देख 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 लगता है पेड़ पे कोई बैठा है, जैसे कि लग रहा है कि वो भूत है, जैसे कि लग रहा है कि एकदम भूत जैसा है। अरे चुप जना बात मत करो। अरे बच्चों मैं सचमुच क्या भूत हूँ, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? मैं ही हूँ भूतों का राजा ब्रह्मा दीतो। ब्रह्मा दीतो कौन है? अरे तुम दोनों नहीं जानते कि ब्रह्मा दी तो कौन है? अरे तुम दोनों बचपन में भूतों के कहानी नहीं पढ़े हो क्या? अरे ब्रह्मा दी तो अंकल इसके बातों के पूरा मत मानिए, वो हमेशा ऐसे बात करता है। ओ इसका मतलब ये लड़का बचपन में भूतों का कहानी पढ़ा है? अरे थोड़ा नहीं बहुत पढ़े हैं। अरे सुनिए ना मैं आपको सुना रहा हूँ भूतों का नाम, मैं कितना भूतों का नाम पढ़ रहा हूँ। चिरकट्टा भूत, लंगड़ा भूत, अंधरा भूत, कान्हा भूत, बावना भूत, गोरा भूत, काला भूत। अरे तुम चुप रहो चुप रहो। अरे रुको रुको, भूतों का नाम मिटना मत लो कि नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैं कौन सा भूत हूँ। अभी क्या करे ब्रह्मदित्त अंकल? अरे मैं बता रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, ये जो मछली का झोला है हमें दे दो, तुम सीधा रास्ता पकड़ लो। अरे सुनो ये बात जाकर घर पे किसी से मत कहना, मैं जो डर दिखाकर खाना खाता हूँ ना वो बंद हो जाएगा। अभी तो हर घर में तांत्रिक है, पता नहीं कौन फेल और कौन पास है। ये क्या बात है,
आपको मैं मछली सारा के सारा दे दूं। इतना मन से हम दोनों तालाब में से पकड़े हैं, ये कोई बात हुआ क्या? क्यों नहीं, तुम लोग जब ब्रिज पार करते हो तो वहाँ पे टैक्स भरते हो कि नहीं? उसी तरह ही जंगल के रास्ते से तुम लोग जा रहे हो तो यहाँ पे भी तुम लोग को टैक्स भरना चाहिए। अगर आपका बात नहीं माने तो? अरे टब्बू, इन बातों को लेकर तुम जिद मत किया कर। वो तो भूतों का राजा है, उससे पंगा मत ले। तुम दोनों क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब क्या? ए, 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 इसका मतलब राजा, राजा मतलब महा राजा। ओ ये बात है, अब तो मुझे मछली नहीं दोगे तो तुम लोगों का गर्दन मरोड़ कर तेल चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, तुम मेरा सिर चबा कर खा जाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा? तो मैं टीवी देखूंगा कैसे? ओ टप्पू, तू कुछ करना। ठीक है तुम जब बोल रहे तो मैं देखता हूँ। ये लीजिए भूत अंकल, लेकिन मछली बहुत कड़ा है, अब खा पाइएगा तू? अरे दो दो दो, तुम तो बहुत अच्छा लड़का है। अरे इस मछली को मैं खा पाऊंगा। अरे तो इतना दिन बाद हमें मछली मिला है, इसको मैं बहुत आराम से खाऊंगा। इल्सा मांस तो बहुत महंगा है, लेकिन तालाब के मछली से ही अपने भूख को मिटा लूंगा। अरे मेरा तो दांत टूट गया है, मैं भोट समाज में मैं कैसे मोदी खाऊंगा? अरे छे 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 छे। अरे अब जटा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा अभी।